पहली आज उम्र है 60+ और एट द एज ऑफ 52 मुझे हो गई थी डायबिटीज। जब डायबिटीज हुई उसके पहले मैं रोज चावल खाता था क्योंकि मेरी वाइफ है साउथ इंडियन और वो रोज दोपहर का रात को चावल बनाती थी और मैं चावल खाता था। लेकिन एट द एज ऑफ 52 जब मेरे को डायबिटीज पता लगी तो डॉक्टर ने और मेरी वाइफ ने कहा कि आज से तेरा चावल बंद। तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं पंजाबी हूं, मुझे तीनों टाइम रोटी खाना अच्छा लगता है, तो मैंने रोटी खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक हफ्ते में डायबिटीज की दवा ली और रोटी खाना शुरू किया तो मुझे पेट में एसिडिटी शुरू हुई। मैंने सोचा ये क्या नई मुसीबत आई, तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला कि ये मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, आप ऐसा करिए कोई एंटासिड पेंटासिड जिंटैक कुछ खा लीजिए। तो मैंने रोज एक गोली खानी शुरू कर दी, एक हफ्ते तक खाई लेकिन एक हफ्ते के बाद भी आराम नहीं पड़ा। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला साहब ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो डॉक्टर ने बोला एक नहीं अब आप दो गोली खाइए। तो मैं एक सुबह और एक शाम को खाने लगा, रोज दो गोली खाता था, एक हफ्ते तक देखा लेकिन फिर भी आराम नहीं पड़ा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब ये ब्लोटिंग एसिडिटी प्रॉब्लम जा नहीं रही। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जिस जिसको ये डायबिटीज होती है उनको एसिडिटी भी होती है, जैसे आपके डायबिटीज जिंदगी भर नहीं ठीक होगी ऐसे आपको एसिडिटी भी ठीक नहीं होगी, आपको ये सहना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने बोल दिया तो मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं 9 साल तक सहरा था। और एक साल पहले मैंने डीएनए टेस्ट कराया, अपना जेनेटिक टेस्ट कराया और उसमें मालूम पड़ा कि मेरी सारी बीमारी की वजह है ग्लूटेन यानी कि गेहूं। तो मैंने एक साल से लेकर अभी तक गेहूं का एक दाना नहीं खाया। गेहूं यानी कि बहुत सी चीजें जैसे आपकी रोटी है, पाव है, ब्रेड है, पिज्जा है, पास्ता है, नूडल है, केक है, पेस्ट्री है, बिस्किट है, पानी पूरी है, पूरी भाजी है, टोस्ट है, आपका खारी है और बियर है। इतनी चीजें मैंने आज तक एक साल में टच नहीं करी उसको। और एक हफ्ते के अंदर मेरी एसिडिटी गायब हो गई और मुझे आज पता नहीं कि एसिडिटी क्या होती, जो मैंने 9 साल तक जिसके लिए तड़पा था। उसके साथ वो प्रॉब्लम तो ठीक हुई लेकिन मेरी मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी डायबिटीज। डायबिटीज मेरी काफी कम हो गई, अब बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, गोली बंद नहीं किए, 3 गोली खाता था आज 1 गोली खाता हूं। ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज की वजह से हो गया था, उसकी गोली बंद हो गई, आज मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। ये तो 3 मेजर प्रॉब्लम है लेकिन इसके साथ 3 कॉम्प्लीमेंट्री चीज भी मिली। मेरे को माइग्रेन की बहुत तकलीफ थी लेकिन माइग्रेन कोई वजह से होता था, जैसे कि मैं पिक्चर हॉल में बैठू 2-3 घंटा जहां बंद होता था, बहुत पब्लिक होती है, नेक्स्ट डे मुझे माइग्रेन होता है। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठू हॉल वगैरह के अंदर, वहां पर जहां पब्लिक होती है और बंद होता है, नेक्स्ट डे होता है। या कोई मैं बस से ट्रैवल करूं, एसी बस से जो बंद होती है उसमें लोग होते हैं, 2-3 घंटा टाइम होता है। यहां से पुणे भी जाऊं तो तकलीफ होती है। लेकिन अभी 1 महीना पहले मैं यहां से गिर गया था जिसमें 23 घंटा जाने में और 23 घंटा आने में लगा, लेकिन दोनों बार आने जाने के बाद मुझे माइग्रेन नहीं हुआ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हुई। चौथी पांचवी प्रॉब्लम मुझे थी साइनसिस की। साइनस की प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे लगता था कि बम्बई में पॉल्यूशन बहुत है क्योंकि 1 करोड़ तो इधर रोड पे गाड़ी है प्लस चिमनीज है और केमिकल फैक्ट्रीज है और लोग सिगरेट है, तो ये पॉल्यूशन सबको जा रहा था। तो मैं सोचता ये पॉल्यूशन मुझे होता तो मुझे क्या होता था कि मेरी नाक बहती रहती थी, कुछ दिनों के बाद वो जम जाती थी, फिर बलगम हो जाती थी और मुझे ब्रीदिंग ट्रबल हो जाता और उसके लिए मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। तो मुझे लगा ये बॉम्बे में मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, लेकिन ये प्रॉब्लम भी ग्लूटेन की वजह से। जब से मैंने ग्लूटेन खाना बंद किया, जब से मेरी नाक बहना बंद, मेरा ब्रीदिंग ट्रबल, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हुई। ये इसके बाद एक छठी प्रॉब्लम थी कि मेरे हाथों पे और पैरों पे ब्लैक हो जाती थी स्किन। मुझे लगता था क्योंकि मुझे डायबिटीज है उसकी वजह से होती होगी, तो मैं एक फ्लूक ऑफ बोल के उसमें क्रीम लगाता था। एक हफ्ता क्रीम लगाता था तो वो ठीक होती लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर से शुरू होती थी। तो मैं सोचा यार जिंदगी भर रहेगी और मैंने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन जब से मैंने ग्लूटेन खाना छोड़ा तब से मेरी स्किन आप देख सकते हो एकदम साफ हो गई। पहले मैं हाफ स्लीव कमीज नहीं पहनता था, अब हाफ स्लीव कमीज पहनने लगा। तो दोस्तों मेरी राय आपको, अगर आप जानना चाहते कि आपको कौन सा खाना तकलीफ कर रहा है और कौन से खाने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही, तो जिंदगी में एक बार डीएनए टेस्ट जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।